स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? खरीद से अच्छा, हम लोगों ने जो पास कर लिया है उसकी एप्लीकेशन को शुरू किया था। पहली एप्लीकेशन हमारे पास सर्टिफिकेट प्रेस थी, उसके बारे में डिटेल जितनी भी थी वो सारी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। अब सेकेंड एप्लीकेशन है हमारे पास ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर यही होता है कि जो आपका प्रेशर होता है लिक्विड का, उस लिक्विड के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर होता है वो भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द कार्स बसेज ईटीसी आल्सो वर्क ऑन द पास कर लिया, कि जितनी भी आपकी व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ जितनी भी हैं, उनकी जो ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है उनका, तो वो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन के ऊपर है। पास्कल लॉ के इसके प्रिंसिपल के तहत काम करता है, ठीक है। ये सामने एक छोटी सी डायग्राम आपके पास बनी हुई है। इस डायग्राम के अंदर सबसे पहली चीज अगर आप लोग देख रही है, पैडल हमारे पास, ठीक है। ये पैडल होता है जिसके ऊपर आप लोग ब्रेक यानी कि पाउंड रखते हैं, और इसको हम लोग ब्रेक भी कहते हैं अपने जमाने में, ठीक है। अब इसके ऊपर जब आप लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, पाउंड रखते हैं, तो पाउंड के रखने से ये जो लिक्विड है या मास्टर सिलेंडर के अंदर एक सिलेंडर इसके साथ अटैच होता है, इस सिलेंडर के अंदर लिक्विड को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऑयल जिसको आप ब्रेकिंग ऑयल कहते हैं, जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब पैडल जो आपका होता है इसके ऊपर पाउंड रखने से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो ये लिक्विड ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ये ट्रांसमिट हो गया, फिर आपके पास होता है ब्रेक सिस्टम या ब्रेक सिलेंडर, जिसको कहते हैं आप, सिलेंडर होता है, इसके दरमियान यहाँ पे लगा होता है एक आपके पास मास्टर सिलेंडर। इन दो तरह के सिलेंडर यहाँ पे लगे होते हैं जिनमें आप अपने लिक्विड को प्लेस किया होता है। अब इसमें ये होता है कि जब आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड का जो प्रेशर होता है वो आगे ट्रांसमिट होता है, तो ये आगे एक शू होता है जिसको आप कह सकते हैं रबड़, यानी कि आपका पिस्टन जो होता है पिस्टन की तरह का होता है, और इसमें ये होता है ये आपका रबड़ का बना होता है। जब इसके ऊपर आगे प्रेशर अप्लाई होता है, यानी लिक्विड जब इसके साथ आगे अटैच होता है, तो यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और इसका जो कनेक्शन होता है वो आपकी डिस्क के साथ होता है, जो गाड़ी का जो टायर का डिस्क होता है उसके साथ होता है, ठीक है। तो जब ये रबड़ जब इस डिस्क के साथ कनेक्ट होती है, तो ये ऑटोमेटिकली जो जाहिर सी बात है रबड़ जो भी आपके पास होगी, रबड़ जब किसी लोहे के साथ आयरन के साथ टच होती है, अटैच करेंगे उसको साथ, उसके साथ जब उसको टच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो आपका व्हील होता है, ये व्हील ड्रम यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि ये व्हील ड्रम होता है, या जिसको आप डिस्क भी कह सकते हैं, इसको आप डिस्क भी कह सकते हैं, ये किसी स्टील का बना होता है या आयरन का बना होता है, किसी मेटल वाला का बना होता है, ठीक है। तो इसके साथ जब इसके जाके ये आपके पास इशू होता है, इसके साथ जब अटैच होगा, जब इसके साथ जब जब लगेगा जाके, तो फिर यहाँ से आपका जो व्हील ड्रम है ये यहाँ पे जाम हो जाएगा, डिस्क आपका जाम हो जाएगा, और आपका जो व्हील होता है गाड़ी का जो व्हील होता है वो फिर उसके बाद घूमेगा नहीं, ठीक है, जाम हो जाएगा, रुक जाएगा एक जगह पे। तो ये सिस्टम आपके पास है, ब्रेकिंग सिस्टम जो है इसके अंदर यही होता है कि जब आपका लिक्विड होता है, लिक्विड के ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो प्रेशर अप्लाई करने से वो लिक्विड ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, और इस तरह आपका जो गाड़ी का सिस्टम जो होता है या गाड़ी की जो ब्रेक होती है, ब्रेक इस तरह वर्क करती है, ठीक है।